ओके क्लास, सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, हम जो है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट ऑपरेटर के लिए, और अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए परफॉर्म करना है तो आप उसको यहाँ से पास कर सकते हैं, लाइक T1 + T2 + T1। तो यहाँ से आप जितने ऑब्जेक्ट पास करते रहेंगे वो दो दो के पेयर में पास करेगा, उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा, और फिर थर्ड वाले से जो है इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसको ऐड करवाएगा। इसी तरह अगर आपने माइनस में भी करवाना है तो आप इसी तरीके से पेयर बना बना के कर सकते हैं। सो वेयर जो वेरी फर्स्ट होगा वो दो फर्स्ट वाले पहले जाएंगे। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दें, T1 × T2 या T1 + T2 × तो उसका रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारे पास T3 का बेस हाइपो, और अगर मैं इसको चेंज कर दूं T1 × T2 + 1, सो T3 का रिजल्ट है मेरे पास 30 120 270, और अगर मैं कर दूं T1 + T2 × T1, ठीक है, तो ये T2 को T1 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर प्लस करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमारे पास वार्ड मास रूल अप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन की जो है वो हमारे पास प्रेसिडेंस पहले है, सो पहले मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद फिर प्लस करेगा। ठीक है, सो बाइनरी ऑपरेटर्स हमने सारे देख लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, आप डिवीजन भी ऐड कर दें। क्लास अटेंडेंस अभी सेंड नहीं करनी, जब तक मैं अटेंडेंस का ना भूला करूं काइंडली मत सेंड किया करें। ठीक है, जिस तरह प्लस के लिए उसी तरह माइनस की फंक्शनलिटी है, ऑपरेटर माइनस और प्लस के सिंबल की जगह वी कैन यूज माइनस साइन एज वेल। अटेंडेंस सेंड मत कीजिए अभी, अब जो भी अटेंडेंस सेंड करेगा चैट पे वो मैं उसको एब्सेंट मार्क कर दूंगी, मेरे कहे बगैर काइंडली अटेंडेंस सेंड मत किया करें। नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल विच इज यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या, किस तरीके से काम करेंगे, कोई भी एक ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसको वर्क करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए हो। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको वर्क करने के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए हो, तभी हमने दो ऑब्जेक्ट पास करवाए ऑपरेटर में, लाइक पॉइंट पी पॉइंट क्यू दो ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर मीन्स ओनली वन ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर को हम कैसे, लाइक माइनस, सो हमारे पास वही सेम क्लास है, उसमें मैंने माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड किया, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट ऑपरेटर माइनस, जिसमें एक ऑब्जेक्ट पास किया, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर को एक ऑपरेंड चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। सो पॉइंट पी रिटर्न करो न्यू पॉइंट, जिसमें से पी डॉट एक्स को माइनस रिटर्न करो और पी डॉट वाई को माइनस, यानी कि जो वैल्यूज पास होंगी ऑब्जेक्ट की उसको माइनस माइनस करके रिटर्न कर दो। इसको कॉल कैसे करेंगे, पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 1 और 2, ए की वैल्यू क्या सेट हो गई, ए की वैल्यू एक्स के लिए 1 एंड ए की वैल्यू वाई के लिए 2। फिर मैंने एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट सी इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये माइनस का ऑपरेटर क्या है, ओवरलोडेड ऑपरेटर, और इस ए को ये एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देगा पॉइंट पी में। सो
माइनस पी डॉट एक्स रिटर्न करेगा, पी डॉट एक्स क्या था 1, ये रिटर्न करेगा माइनस 1, पी डॉट वाई इज 2, इट विल रिटर्न माइनस 2. सो एक नया ऑब्जेक्ट पास करेगा जो पॉइंट सी के ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, और सी के लिए एक्स की वैल्यू माइनस 1 और सी के लिए वाई की वैल्यू माइनस 2. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओवरलोडेड यूनरी ऑपरेटर है माइनस का. ठीक है, प्लस के लिए स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस को तो वैसे ही हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. अगर मैं कह रही हूँ इंट ए इज इक्वल टू 12, तो अगर मैंने कोई साइन यूज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस है. माइनस के लिए हम एक्सप्लिसिटली जाके माइनस साइन प्लेस करते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके. अच्छा, कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास पेयर में ओवरलोड होते हैं. पेयर का मतलब क्या है कि अगर ये करना है तो इसके साथ ये भी होगा, एक इंडिपेंडेंट आप नहीं कर सकते. और वो कौन कौन से हैं, इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड लेस देन इज इक्वल टू, ट्रू एंड फॉल्स. यानी कि आप कभी भी ट्रू को आप जो है मतलब बुलियन को आपने अगर ओवरलोड करना है तो ट्रू, इसी तरह लेस देन और ग्रेटर देन करना है तो लेस देन आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नहीं कर सकते. लेस देन के साथ जरूरी है कि आप ग्रेटर देन को भी ओवरलोड करेंगे, वरना कंपाइलर एरर आएगा. सो ये वाले ऑपरेटर हमेशा पेयर में ओवरलोड होंगे. ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है इक्वेलिटी ऑपरेटर. अब जब इक्वेलिटी आ गई तो उसका रिजल्ट हमारे पास या तो बुलियन ट्रू होगा या फॉल्स होगा. सो जब ट्रू एंड फॉल्स होगा तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप क्लास नहीं आएगी बल्कि बूल आएगा. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक मॉडिफायर वही रहेंगे, पब्लिक होना जरूरी है, स्टैटिक होना जरूरी है, क्योंकि इक्वलिटी ऑपरेटर्स हैं. दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को हम कंपेयर करवाएंगे, इक्वलिटी चेक करेंगे तो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप यूज करेंगे. बूल ऑपरेटर नेम, ऑपरेटर कीवर्ड एंड इज इक्वल टू साइन ऑफ ऑपरेटर जिसको आप ओवरलोड कर रहे हैं. ये ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑब्जेक्ट लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू. रिटर्न क्या करेगा, चेक करो पी डॉट एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट एक्स एंड पी डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू डॉट वाई. यानी कि दो कंडीशन हमने यहाँ पे दी, वो दो कंडीशन हमारे पास क्या है कि चेक करो ये वाली वैल्यू, ये वाली कंडीशन चेक होनी चाहिए, और ये अगर ये दोनों ट्रू हैं तो रिटर्न कर दो ट्रू, तभी हमने यहाँ रिटर्न टाइप बुलियन रखी है. इज इक्वल टू हमेशा पेयर में यूज होता है नॉट इज इक्वल टू के साथ, इसीलिए हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक बूल ऑपरेटर नॉट इज इक्वल टू पॉइंट पी, दो ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट लेंगे, रिटर्न कर दो पी इज इक्वल टू क्यू. यानी कि इस ओवरलोडेड जो हमने ऑपरेटर यूज किया इसको कॉल करो और उसका जो भी रिजल्ट आया उसको नॉट कर दो. मतलब हमने इसी ओवरलोडेड यही स्टेटमेंट हम चाहें तो नॉट के साथ भी लगा सकते हैं, नॉट इज इक्वल टू के लिए. रिटर्न पी डॉट एक्स इज नॉट इज इक्वल टू, लेकिन ये काम दोबारा से चेक करवाने के बजाय हमने क्या किया, शॉर्ट वे यूज किया, हमने ऊपर वाले ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडेड ऑपरेटर को कॉल कर दिया और उसके साथ नॉट लगा दिया. अगर इक्वल है, जैसे अगर ये रिटर्न करेगा टू ट्रू तो ये क्या करेगा, नॉट ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा. अगर ये वाला ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ये क्या करेगा, नॉट फॉल्स ट्रू, यानी कि उसके अपोजिट चल रहा है ना, तो ये हमेशा पेयर में यूज होंगे. और इसको हम कॉल कैसे करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, और हमने क्या कर दिया, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो ये क्या है, हमारे पास ओवरलोडेड ऑपरेटर है जो फॉरन इधर चला जाएगा, डेफिनेशन चेक करेगा, दो ऑब्जेक्ट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करवाएगा, और उसकी बेसिस पे आपको जो कंडीशन प्रिंट करवानी है आप प्रिंट करवा सकते हैं. जी क्लास, यहां तक क्लियर है, ये इक्वालिटी ऑपरेटर क्लियर है. जी, नॉट इज इक्वल टू का मतलब यही होता है ना, इज इक्वल टू का मतलब ये दोनों इक्वल हैं, और नॉट इज इक्वल टू का मतलब है इक्वल नहीं है, तो हम उसी को निगेट कर देंगे. जो ऊपर वाला है हमारे पास फर्स्ट वाला, उसी को हमने निगेट कर दिया कि चेक करो कि क्या दोनों इक्वल हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उसकी निगेशन. अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसको निगेट कर दो नॉट ट्रू, अगर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो उसको निगेट कर दो नॉट फॉल्स, यानी कि ट्रू. नॉट आ गया ना, नॉट का मतलब है रिवर्स कर देना, रिवर्ट कर देना.
अच्छा क्लास, अब आपने एक काम ये करना है, ये जो मैंने यहाँ पे कोड अभी यहाँ पे जनरेट किया है ये वाला, ठीक है, मैंने इसमें सारे बाइनरी ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया है, इसी क्लास में चाहें तो आप, या चाहें तो कोई और क्लास बना लें रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल को मैप करने के लिए, और उसमें ये जो इक्वेलिटी ऑपरेटर हैं ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इसके लिए आप लॉजिक लगा के उसको मुझे इम्प्लीमेंट करके, और इफ की कोई भी कंडीशन लगाएं और उसमें इस ओवरलोडेड ऑपरेटर को यूज करके दिखाएं. एंड यू हैव एग्जैक्टली 10 मिनट्स फॉर दिस. ठीक है, बोनस एक्टिविटी है ये, और मैं भी यहीं पे एक्टिव हूँ. आप इसको सॉल्व करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर कोई एरर आ रहा है तो उसके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर लें, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे. 10 मिनट की एक्टिविटी है, जो मैंने क्लास बनाई है उसी को चाहें तो मॉडिफाई करते हैं, या खुद से अपने पास कोई नई क्लास बना दें और उसमें ये इक्वलिटी ऑपरेटर, ये जो हमारे पास ये वाले हैं, ये सारे वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके दिखा दें. लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, एंड ट्रू एंड फॉल्स. ये आपने करके चले 15 मिनट्स हैं आपके पास, 15 मिनट्स में करके मुझे इसी लाइव सेशन पे आप अपडेट करेंगे. मैं भी यहीं पे एक्टिव हूँ, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे क्यूरी जो है वो पूछ सकते हैं यहाँ से.
जी क्लास, मैंने कोड शेयर कर दिया ये चैट पे। जी क्लास, कहाँ तक पहुंचे? कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो उसका कोड राइट डाउन कर लिया आपने?
ओके क्लास, कौन सी स्लाइड ओपन करने का कह रहे हैं? ऑपरेटर्स वाली, ये वाली, दिस वन और दिस वन? जी कहाँ तक पहुंचा क्लास कोड? ओके क्लास, आई गेस टाइम ओवर हो गया है, मोर देन 10 मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स का मैंने आपको कहा था, 15 मिनट्स से भी ज्यादा हो गए. अच्छा, एक कोड हुज़ैफा ने सेंड किया है, लेट्स सी हुज़ैफा, रीड ओनली स्ट्रक्ट फ्रैक्शन. हुज़ैफा आपने स्ट्रक्चर के थ्रू क्यों किया है, क्लास क्यों नहीं बनाई फ्रैक्शन की? समीर ने भी सेंड कर दिया है, क्लास व्हीकल, पब्लिक स्ट्रिंग कार, पब्लिक स्ट्रिंग व्हीकल, व्हीकल. इसमें आपने ऐड क्या करवाया, v1.car, v2.bike, व्हीकल v1, व्हीकल v2, व्हीकल v2, v1.v. नहीं समीर, कुछ गड़बड़ है, मतलब कोड तो आपने कर लिया है, कोड में कोई एरर नहीं होगा, लेकिन जो लॉजिक है वो लॉजिक जो है ना बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं लग रही, लॉजिक में कुछ इश्यूज हैं. द मेन पर्पस बिहाइंड यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा. असल ने दो क्लास, दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक्स वाई, पब्लिक ऑपरेटर इज इक्वल टू ट्राइंगल. ठीक है, यू कैन यूज कंपाउंड स्टेटमेंट एज वेल. कंपाउंड स्टेटमेंट आप कैसे यूज करेंगे, जैसे आप कंपाउंड स्टेटमेंट यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को उससे ऐड करवा देगा. लेट्स से प्लस का ऑपरेटर है जिसको हमने ओवरलोड किया है, वही सेम फंक्शनैलिटी है, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए ए एंड बी, वैल्यू पास की थ्रू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है क्लास, एक्टिविटी का टाइम जो है वो ओवर हो चुका है. जिन जिन स्टूडेंट्स को बोनस मिला है उसमें असद को मिला है, हुज़ैफ़ा को बोनस मिला है, और समीर आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया है और टाइम पे सबमिट करवाया है, तो पार्शियल हाफ बोनस मिला है आपको. अच्छा जी, कंपाउंड स्टेटमेंट ऑपरेटर्स भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए ए एंड बी, वैल्यू पास कर दी. बस क्लास, अब वापस आते हैं लेक्चर, और बोनस एक्टिविटी का टाइम खत्म हो गया, अब वापस लेक्चर की तरफ आ जाए. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हमने और एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट सी, और उसकी वैल्यू क्या स्टोर कर दी, पॉइंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड होगा. उसके बाद फिर मैंने एक और कहा कि सी इज इक्वल टू सी प्लस बी, यानी कि सी को दोबारा से अपडेट कर दो, और क्या करो, सी का जो यहाँ पे सम ए प्लस बी कैलकुलेट हुआ है उसको बी वाले ऑब्जेक्ट से एड करवा के दोबारा सी में
स्टोर करवा दें. तो यू कैन यूज कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग एज वेल. ये भी बिल्कुल वैसी काम करती है जैसे सी इज इक्वल टू सी प्लस बी. ये स्टेटमेंट बिल्कुल इक्विवेलेंट है लाइक सी इज इक्वल टू सी प्लस बी. ठीक है, सो ये दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर वैलिड एंड इक्वल. ठीक है, यहाँ पे क्या पॉइंट है कि आपकी जो पैरामीटर टाइप्स हैं, एटलीस्ट वन पैरामीटर मस्ट बी ऑफ इनक्लोजिंग टाइप. लाइक अगर आप दो आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं, आपका जो रिटर्न टाइप, मतलब जो आपने रिटर्न टाइप रखी है ऑपरेटर की, उसमें से एक जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं, एटलीस्ट एक जो है वो दैट शुड बी ऑफ क्लास टाइप एज वेल. जैसे यहाँ पे मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक पॉइंट, और मैं जो आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ वो एक्स और वाई है और दोनों इंटीजर के हैं, तो एटलीस्ट इनमें से कोई एक आर्ग्यूमेंट शुड बी ऑफ इनक्लोजिंग टाइप जो आप बता रहे हो कि ये ऑपरेटर ये रिटर्न करेगा. अगर आप इस तरीके से दोगे तो यहाँ पे आपके पास एरर आएगा. ओके, सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? ओनली सम ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. कौन कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड हो सकते हैं? यूनरी में प्लस माइनस नॉट और प्लस प्लस प्लस, वो जो हम इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को भी हम प्लस प्लस कर सकते हैं. एंड माइनस माइनस, ट्रू एंड फॉल्स. बाइनरी में प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एंड और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, इज इक्वल टू. कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स. यू कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर. जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं उन्हीं को आप ओवरलोड करके नई डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट के लिए. चेंज प्रेसिडेंस. यू कैन चेंज प्रेसिडेंस. आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको कहा था कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो हमेशा पहले बी सी से मल्टीप्लाई होगा फिर एड होगा प्लस से, क्योंकि प्रेसिडेंस जो वो हमने ऑपरेटर्स की पढ़ी थी वही है. मल्टीप्लिसिटी की प्रेसिडेंस पहले है प्लस से, तो इसीलिए पहले मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर परफॉर्म होगा फिर प्लस होगा. चाहे आप a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी करें, पहले b मल्टीप्लाई बाय सी होगा फिर प्लस होगा a से. आप एसोसिएटिविटी चेंज नहीं कर सकते, वो थ्रू आउट सेम रहेगी. a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, या आप a ब्रैकेट डाल के a प्लस बी प्लस सी करें. ठीक है, जो चीज ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व होगी. यू कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो ऑपरेटर ओवरलोडेड में आपने डिफाइन किए उतने ही दे सकते हैं. ओवरलोड प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वर्जन सेपरेटली. ठीक है, प्रीफिक्स अलग होगा, प्लस प्लस अलग होगा, माइनस माइनस अलग होगा. प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों अलग अलग होंगे. ए प्लस प्लस, प्लस प्लस ए, दोनों के लिए अलग अलग ओवरलोडेड ऑपरेटर बनेगा. इसी तरह ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए, इन दोनों के लिए अलग अलग ओवरलोडेड जो है वर्जन बनेंगे. एक में ही आप दोनों काम नहीं करा सकते. पास पैरामीटर्स रेफ और आउट. आप रेफ और आउट के पैरामीटर जो है वो पास नहीं कर सकते एज एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो व्हाट वी हैव समरी. प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एंड और लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ऑल सी शार्प बाइनरी ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. यूनरी में ऑल सी शार्प यूनरी ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आपके पास हो सकते हैं ओवरलोड, लेकिन पेयर में. पेयर क्या होगा? इज इक्वल टू के साथ नॉट इज इक्वल टू होना जरूरी है. मतलब होंगे अलग अलग वर्जन ही, लेकिन अगर आपने इज इक्वल टू को ओवरलोड किया है तो फिर आपको नेक्स्ट उसमें नॉट इज इक्वल टू को भी ओवरलोड करना पड़ेगा. एंड और, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, एरे को ओवरलोड नहीं कर सकते, और कन्वर्जन ऑपरेटर को भी ओवरलोड नहीं कर सकते आप. ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट ओवरलोड हो जाएंगे आपके पास, बट इन सी शार्प दीज ऑपरेटर्स आर ऑटोमेटिकली ओवरलोडेड when the respective binary operator is overloaded. ये automatically वैसे ही होंगे जैसे आपने, अगर मैं कह रही हूँ C plus is equal to B is equivalent to C is equal to A plus B. और कौन कौन से operator overload नहीं हो सकते हमारे पास? Is equal to को overload नहीं कर सकते, ternary operator को नहीं कर सकते, ये वाला जो pointer का use होता है इसको नहीं कर सकते, new is as size of को भी overload नहीं कर सकते. Clear है यहाँ तक? अच्छा, क्लास अटेंडेंस सेंड कर दें मुझे अपनी चैट पे काइंडली.
ओके क्लास, अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई। अच्छा अब जो है सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में हम क्विज कंडक्ट करेंगे, ठीक है। क्विज होगा आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ही टॉपिक से, और क्विज में आपने ये करना है कि जो हमारे पास प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इन चारों की आपने जो है उन चारों को ओवरलोड करके आपने जो है वो उसके डिफरेंट वर्जन देने, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूनरी है या बाइनरी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है, ठीक है। ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, माइनस माइनस ए और प्लस प्लस ए, ठीक है। ये चार डिफरेंट वर्जन है, इन चारों को आपने ओवरलोड करना है। उसी से रिलेटेड आप एक क्लास जो है वो डिजाइन करेंगे, जिसमें एक वेरिएबल रख लें और डिफाइन कर लें, उसके डिफरेंट ओवरलोडेड वर्जन हों, और मेन से आप उसके डिफरेंट जो है वो चारों वन बाय वन कॉल करके दिखाएं कि आप किस तरीके से उस पर फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। जी क्लास, क्विज क्लियर है? फिर बार बार मुझे नहीं पूछिएगा कि क्या क्विज है, क्या करना है मिस, क्या करना है, क्या करना है। नेक्स्ट सेशन में क्विज करना है, आपका क्विज है, और क्विज में आपने ये करना है कि जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रह गए, उसको क्लास के थ्रू आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देती हूँ, और अपलोड आपने इसको कब करना है, आपके पास एग्जैक्टली होंगे इसके लिए जैसी क्विज स्टार्ट होगा। क्विज तो वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मीटिंग एंड होगी आफ्टर 3 मिनट्स। सो आफ्टर 3 मिनट्स आपने क्या करना है, आफ्टर 3 मिनट्स आपने क्विज स्टार्ट कर देना है, एंड यू हैव एग्जैक्टली 40 मिनट्स टू सॉल्व द क्विज। सो वी आर रिज्यूमिंग के 17:25 पे क्विज स्टार्ट होगा, एंड इट विल एंड एट 6:05, 6:05 पे। जी पेपर पे लिखना है, पेपर पे लिख के उसकी पिक्चर आप चाहें तो वर्ड पे कॉपी पेस्ट कर लें स्क्रीन शॉट लेके, या चाहें तो कैम स्कैनर से PDF में कन्वर्ट कर दें, लेकिन पेपर पे अपना स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ID जो है वो मेंशन करना जरूरी है। अगर दो पेज पे है तो दोनों पेजों पे अपने स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ID। और ये LMS पे ही आप अपलोड करेंगे 6:05 से पहले पहले। जितना लेट होगा उतनी ज्यादा फिर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट होगी, और 6:15 के बाद जो सबमिट करवाएगा उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगी। ओके क्लास, मीटिंग एंड होने वाली है, अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई है। ओके क्विज का क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, 6:05 तक क्विज सबमिट कर दें आप, और उसके बाद जो मैक्सिमम टाइम है वो 6:15 के बाद मैं उसकी सबमिशन लॉक कर दूंगी, ठीक है। 6:05 से 6:15 के दरमियान जो कराएगा उसकी जो है वो पेनल्टी के साथ मार्किंग होगी, और जो 6:05 से पहले, और कॉपी नहीं होना चाहिए प्लीज, ठीक है। मिड टर्म का रिजल्ट आपने देख लिया था, अगर क्विज कॉपी हुआ तो एज स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 मिलेंगे, करने वाले को भी करवाने वाले को भी, दोनों का मैं मेंशन कर रही हूँ।
कल भी हमारी क्लास है, मेकअप सेशन है 12 से 3, ठीक है। फिर उसमें फर्दर जो हम एब्स्ट्रेक्शन वगैरह और हमारी यूएमएल डायग्राम्स है वो होपफुली हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, क्विज टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक।